लेकिन एम्पायर ने इसको वाइड बॉल करार दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज मोहम्मद सिराज से फिर गए, लेकिन मोहम्मद सिराज भी कहाँ कम खाने वाले थे, उन्होंने चुप रहने का बार बार इशारा किया। मौके की नज़ाकत देख आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसी आए और ग्राउंड एम्पायर के साथ दोनों बल्लेबाजों से बातचीत की। गुस्से में तमतमाए मोहम्मद सिराज को समझाया, मोहम्मद सिराज ने ऐसा खतरनाक बाउंसर क्यों फेंका, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मोहम्मद सिराज अपने पहले स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए तो पहली और दूसरी बॉल पर शॉट ने शानदार छक्के जड़े, इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका जड़ दिया। लगातार दो छक्के और एक चौका खाने के बाद सिराज का पारा चढ़ गया और उन्होंने चौथी बार खतरनाक बाउंसर के रूप में शॉट के ऊपर फेंकी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया। दिल्ली